ओ नमस्कार बंधुओं, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कागज पर टोटके पर। बंधुओं, आज का विषय है कि कैसे मनोकामना को पूर्ण किया जाए। वैसे मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले तो कुंडली देखनी पड़ती है, मगर प्रकृति ने कुछ ऐसे भी उपाय बनाए हैं जो हर कोई कर सकता है। उसमें ग्रह नक्षत्र का दोष नहीं देखा जाता, तो यह उपाय कोई भी कर सकता है, चाहे किसी भी राशि का हो, किसी कैसी भी कुंडली हो। साथ ही साथ ये भी बता दें आपको कि ये बहुत ही आसान है, ये आपको खुद बनाना है, और ये धन लाभ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और अन्य कोई भी आपकी मनोकामना हो, उसमें ये आपको मदद करेगा मनोकामना पूर्ण करने के लिए। तो आपको वीडियो पूरा देखना है ताकि आप समझ सकें, क्योंकि बहुत ही प्राचीन यंत्र है जो हम बनाने जा रहे हैं, और उस यंत्र का क्या करना है इसके बारे में हम इसी वीडियो में बताएंगे। तो आप वीडियो अंत तक देखिए। जैसे कि हम बताते हैं, आपको उंगली से ही बनाना है। पहले आपको एक तिकोना बनाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तिकोना बना चुके हैं। अब इसी में से निकलता हुआ एक उल्टा तिकोना बनाना है। ये हम दो तिकोने बना चुके हैं एक दूसरे को काटते हुए। अब इसी में आपको ऐसी आकृति बनानी है। जैसे कि हम पता है हम हाथ से बना रहे हैं, उंगली से बना रहे हैं, तो आकृति थोड़ी सही ना भी बने तो कोई बात नहीं। तो बंधु, ये आपने देखा कि हमने बनाया है एक यंत्र। अब क्या करना है हमें? अब आपको नीले या काले रंग से जैसे जैसे हम कहेंगे आपको वैसे वैसे अंदर लिखना है। इधर लिखना है आपको 27, और इसी के नीचे 7, इधर 18, 8, 20, 10, 11, 12, 22, 23, 13, 9, 17, और इसके अंदर आपको लिखना है मंत्र एन श्री टे क्लीन पन, एन श्री टे क्लीन पन।
ये आपको लिखना है। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद आपको इसी यंत्र के नीचे लिखना है रिद्धि सिद्धि, ये आपको लिखना है। और फिर आपको इधर लिखना है एन ही श्री ही। तो बंधु ये आप यंत्र बना चुके हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए। अब आपको क्या करना है, इसको जब तक ये पूरा सूख नहीं जाता आपको ऐसे ही रखे रखना है, जहाँ पर बनाया है वहीं पे रखिए सूखने के लिए। इसको हटाइए मत उस जगह से, और याद रखिएगा कि वह जगह साफ सुथरी हो जहाँ पर आप ये बना रहे हो यंत्र, और आप साफ सुथरे हो, नहा धोकर आप ये यंत्र बनाए, और उस दिन आपने कोई शराब का सेवन ना करा हो यदि आप शराब पीते हैं, और ना ही मांस मच्छी का सेवन करा हो, और ना ही आपने किसी से झगड़ा इत्यादि करा हो आपने किसी से भी। आपको ये विनम्र भाव से बनाना है क्योंकि आप अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यह यंत्र बना रहे हैं। और साथ ही साथ आपको एक बात बताना चाहेंगे कि यह यंत्र जब आप बना लें तो उसके बाद आपको दो तरीके से ये मनोकामना पूर्ण करने का उपाय पूर्ण कर सकते हैं। दो तरीके हम बताएंगे आपको। या तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मटकी, इस मटकी के अंदर आपको पहले पानी भरना है, थोड़ा सा पानी भरना है, और फिर आपको ये यंत्र जो आपने बनाया है इस मटकी के नीचे रख देना है, और फिर आपको इसमें रोज एक चम्मच पानी डालना है मटकी के अंदर। और मंत्र कौन सा पढ़ना है आपको पानी डालते समय, एन हीन श्रीन हीन, यह मंत्र आपको पढ़ना है। और यह आपको किस दिन करना है, ये दिन ये उपाय आपको सोमवार से शुरू करना है और लगातार 7 दिन करना है, और यंत्र सिर्फ एक ही बार बनेगा। मटकी के नीचे आपको रोज पानी डालना है और यह मंत्र जपना है। जब आप एक चम्मच के करीब इसमें पानी डाल देंगे तो आप क्या करेंगे, मंत्र जपेंगे, और जब पानी डल जाएगा इसको ऊपर से आप ढक देंगे। उसके बाद आपको 51 बार ये मंत्र फिर जपना है। यदि आप मटकी में पानी नहीं डालना चाह रहे हैं तो आपके लिए हमारे पास एक दूसरा तरीका है, चलिए आपको वो बताते हैं कि कैसे करना है। बंधु यदि आप मटकी के साथ नहीं करना चाह रहे हैं ये उपाय, तो आपको करना होगा किसी ऐसे गमले में जिसपे कोई पौधा ना लगा रखा हो आपने, तो ये जो आपने यंत्र बनाया है इसको आप किसी ऐसे गमले के नीचे छुपाएंगे, रखेंगे, स्थापित करेंगे, जिसके अंदर कोई आपने पौधा नहीं लगा रखा हो, जैसे कि हम इसको अंदर नीचे रख चुके हैं। इसके बाद आपको सोमवार से, जैसा हमने बताया, सोमवार से ही आपको इसके अंदर आपको पानी डालना शुरू कर देना है। जैसे कि मटकी में बताया था वैसे ही आपको इसमें थोड़ा बहुत पानी डालना है इस गमले के अंदर। और ये उपाय आपको रात को करना है 10 बजे के बाद और 12 बजे से पहले, यानी कि आप 10 बजे से शुरू करेंगे अपना यंत्र बनाना और 12 बजे तक ये विधि आप बंद कर देंगे। इसलिए हमने ये गमला लिया है जिसमें पौधा ना हो, तभी रात को पौधों में पानी नहीं डाला जाता, इसलिए ऐसा गमला लेना अनिवार्य है जिसमें पौधा ना लगा हुआ हो, और उसके नीचे आपको जो हमने मंत्र बताया है वह जपना है पानी डालते हुए। तो बंधु ये दो विधि जो हमने आपको बताई है इसमें से कोई एक ही करें आप 7-7 दिन, ऐसा ना हो कि आप गमले वाली एक दिन कर रहे हैं और मटकी वाले दूसरे दिन। जो भी विधि आप कर रहे हैं उसको लगातार आपको करना है, और याद रखिएगा सबसे अहम बात कि सोमवार की रात को 10 बजे से करना है और 12 बजे से पहले पहले करना है,
वो 7-2 दिनों तक करना है। अब बात करते हैं कि इसका लाभ कब तक मिल जाएगा। जैसे ही आप 7 दिन कर चुके होंगे तो उसके बाद से ही आपको अगले दिन से ही आपको लगने लगेगा कि जो भी आपकी मनोकामना है वह उसके मार्ग खुलने लगे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपको 31 दिन लगते हैं। 31 दिनों में इसका पूर्ण आपको परिणाम मिल जाता है, मगर आपको उपाय सिर्फ 7 ही दिन करना है। तो बंधु, आशा करते हैं आपको ये उपाय समझ में आया होगा। जैसा हमने यंत्र बनाया है वैसे ही बनाना है, आपने उंगली से बनाना है, आकृति जैसे हमने बनाई थी वैसे ही बनाना है। जितना हो सके उतना अच्छा सुंदर आपको ये बनाना है। तो बंधुओं, यहाँ तक वीडियो आपने पूरा देखा, धन्यवाद।